আজ বাগডোগরার কাছে ব্যাংডুবি সৈনিক সেনানিবাসে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জুন মাসে মণিপুরের টুপুলে ভূমিদশে শহীদ সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তাদের আত্মার শান্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি। শহীদ সৈনিকদের পরিবারও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন, জড় হয়েছিল প্রচুর মানুষ। রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, দেশের নিরাপত্তার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীর সৈন্যরা সর্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত রয়েছে। তার একটাই চাওয়া, দেশটা নিরাপদ থাকুক। দেশের নিরাপত্তার জন্য সৈন্যরা নিজেদের জীবনেরও পরোয়া করে না, শহীদ সৈনিকদের মূল্যও দেওয়া যাবে না। রাজনাথ সিং শহীদ সৈন্যদের আশ্রিতদের এবং তাদের পরিবারকে আশ্বস্ত করেছেন এবং সরকার তাদের সঙ্গে আছে সেই ব্যাপারেও কিন্তু আশ্বাস দিয়েছেন। সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি এটাও জানিয়েছেন, যদি কোনো সমস্যা হয় সমাধান অবশ্যই রয়েছে। রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, শহীদ এবং শহীদের পরিবারের কাছে তিনি মাথা নত করছেন। কিছু কারণে একটু দেরি হয়েছে বটে, তবে সরকার সবসময় তাদের পাশেই রয়েছে। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हमारे पेट्रोलियम आर्मी के जवान शहीद हुए, 29 जवानों की बॉडी तो रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी एक जवान हमारा नहीं मिला। उनके परिजनों से मिलने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। आज उनसे मिला हूँ, उनके साथ हमने बातचीत की है, उनके साथ उनके दुख को शेयर करने की मैंने कोशिश की है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे जवानों ने कर्तव्य पथ पर चलकर जो बलिदान दिया है वो उसके लिए सदैव हम सभी लोग या पूरा राष्ट्र रेडी रहेगा। ये बात है कि सच है कि किसी की ज़िंदगी की कीमत नहीं लगाई जा सकती, और चाहे जितनी भी हमारा सहायता के रूप में दे दी जाए वो अपने कम रहेगी। लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 1,33,00,000 से लेकर 1,52,00,000 रुपये तक की धनराशि अपने जो शहीद परिवार शहीद हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। और मैंने उन परिजनों से यह कहा है कि कोई कठिनाई यदि आती है तो मैं रक्षा मंत्री के रूप में उन कठिनाइयों का निवारण करने की भरपूर कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगा। सर, केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से जो करना है कर रहा है, इन एडिशन टू दिस 7,00,000 कंपनसेशन जो आपने दी है, तो आर यू प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर द बिगर फैमिली? नहीं, जो भी होगा अभी जितना संभव था उतना अभी तक किया जा चुका है। मैंने कहा ना कि रुपये पैसों से जो है उनकी जिंदगी की कीमत का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। गोरखाओं के लिए मैसेज अपने बोलते समय मैंने दिया ना, ये बहादुर लोग होते हैं। मैंने उस बात को भी लोगों के सामने रखा कि जनरल मानिक शाह ने एक बार ये कहा था, यदि कोई कहता है कि हमें मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है, यदि वह झूठ नहीं बोल रहा है, यह सच है कि मौत से डर नहीं लगती है, तो यह कहने वाला कोई गोरखा ही हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने होमगार्ड का नौकरी ऑफर किया। এদিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনাপ্রধান মনোজ পাণ্ডে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান এবং সেখান থেকে ব্যাংডুবি সেনা নিবাসে উদ্দেশ্যে তারা রওনা হন। রাজনাথ সিং সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বেও ছিলেন। জুন মাসে মণিপুরে টুপুলে একটি বিধ্বংসী ভূমিদশ হয়েছিল, যাতে পশ্চিমবঙ্গের 19 জন সেনা শহীদ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে 16 জন জওয়ান ছিলেন শুধুমাত্র দার্জিলিং জেলারই, 1 জন জওয়ান জলপাইগুড়ি জেলার এবং 2 জন জওয়ান ছিলেন উত্তর 24 পরগনার জেলার বাসিন্দা। এদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিহত এবং আহত জওয়ানদের পরিবারের হাতে 1,52,00,000 এবং ন্যূনতম 1,32,00,000 টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। टोटल जो लैंडस्लाइड हुआ था वो काफ़ी बड़ा था, 61 लोग ने अपनी जान गुमाई है। और ऐसा नहीं कि उनको बचाने की प्रयास नहीं हुआ, प्रयास बहुत हाई टेक्नोलॉजी एयरलिफ्ट करके भी टेक्नोलॉजी लाई गई थी, उन सबका भी प्रयोग हुआ। लेकिन प्रकृति के सामने किसी का जैसे नहीं चल सकता, तो प्रकृति के सामने कोई बड़ा हो कितना भी शक्तिशाली हो बहुत छोटा लगता है। स्टेट गवर्नमेंट ने होमगार्ड का नौकरी का ऑफर, मैं स्टेट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, राजनीति नहीं करना चाहूँगा, बट फिर भी मुझे दुख और तकलीफ इस बात का होता है। मणिपुर जैसा एक छोटा प्रदेश होने के नाते वहाँ के मुख्यमंत्री 5,00,000 की घोषणा करते हैं, जब बात पश्चिम बंगाल की जनता और हमारे जवान मरते हैं, सो 2,00,000 रुपया मुझे लगता है ये उचित नहीं है।
उनकी जान की मूल्यांकन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत है। और उसके ऊपर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था, जो भी किया मदद वो ठीक है, लेकिन जब आज मैं इन्हीं परिवार से सवेरे मिला ट्रांजिट कैंप में जा कर के, और जैसे कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इनको कलकत्ता बुला करके उनको 5-6 हज़ार रुपये की होमगार्ड की नौकरी देने की जो बात कही, मुझे लगता है उन परिवार का अपमान है। सारी हमारी बहन बेटियां जो है ग्रेजुएट एमबीए पढ़ी लिखी है, और मुझे लगता है उनको 5-6 हज़ार की होमगार्ड की नौकरी देना, मुझे लगता है उनके जख्म पे मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने वाली बात है। मैं इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा इतना घोर अपमान किसी भी परिवार का, शहीद परिवार का विशेष करके, नहीं होना चाहिए। নানা নাদুজের সঙ্গে আমি সৌমি রয়েছি, চোখ রাখুন খবর সময় বাংলায়, ধন্যবাদ।